सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में दीपनगर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क पर ईटा बिछाकर राहगीरों से लूटपाट करने वाले दो अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लखरामा ताड़ पर निवासी अवधेश प्रसाद का पुत्र अमन कुमार, जबकि इसी थाना क्षेत्र के राणा बिघा निवासी रविंद्र प्रसाद का पुत्र अमरजीत कुमार के रूप में की गई है। बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि दीपनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक को आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राजगीर रोड से ताड़ पर जाने वाली हनुमान मंदिर के पास कुछ अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर सड़क पर ईटा बिछाकर सड़क को अवरुद्ध कर राहगीरों से लूटपाट करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद वरीय पदाधिकारियों को घटना से अवगत कराते हुए थाना अध्यक्ष घटनास्थल के पास पहुंचकर घेराबंदी की। इस मौके पर पुलिस को देखकर अपराधकर्मी अपना ब्लू रंग का होंडा कंपनी का स्कूटी छोड़कर भागने लगे, जिसे खदेड़कर दो अपराधकर्मी को पकड़ा गया और उनकी तलाशी लेने पर एक अपराधकर्मी के कमर से एक लोडेड देसी कट्टा तथा दूसरे अपराधकर्मी के कमर से एक सिक्सर रिवॉल्वर बरामद हुआ तथा इन लोगों के पास से कुल 4400 रुपया एवं मोबाइल भी बरामद हुआ। रात्रि का फायदा उठाकर कुछ अपराधकर्मी भागने में सफल रहे। बिहार शरीफ सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत इमादपुर मोहल्ले में फल व्यवसायी के साथ लूट की घटना में भी शामिल होने की बात स्वीकार किया है। फिलहाल इन लोगों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। तो दीपनगर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क को अवरुद्ध कर राहगीरों के साथ लूटपाट करने वाले दो अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।